फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में आने वाली ऐड को ना कैसे बंद कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन में आने वाली एड्स को अपना बंद कर सकते हैं कैसे। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है, ठीक है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। सेटिंग के इस पेज में आपको नीचे आना है। सेटिंग के इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है गूगल का, गूगल पे टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ना गूगल का पेज आएगा, तो जैसे पेज शो होगा तो मैं आपको आगे का प्रोसेस यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, हमारा पेज शो हो गया। अब यहाँ पर आपको नीचे मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये इस तरीके का पेज आता है गूगल अकाउंट का। इसमें आपको देखिए नीचे लाइन होती है, इस लाइन को आप उंगली से दबा के आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन में आपको ये ऑप्शन मिलता है डेटा एंड प्राइवेसी, इसे आपको टैप कर लेना है, ठीक है। तो आपका ये पेज आएगा। अब इस पेज में आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है पर्सनलाइज एड्स, इसके ठीक नीचे आपको ये माई एड सेंटर, माई एड सेंटर पे टैप करना है। तो आपका यहाँ पर एक और पेज आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इस वाले पेज में सबसे ऊपर ये पर्सनलाइज एड के सामने ऑन लिखा हुआ है, तो ये सेटिंग हमारी ऑन रहती है जिसके कारण हमारे फोन में एड आती रहती है, तो आपको ये सेटिंग को ऑफ करना है। तो इसके लिए आपको ये ऑन का बटन टैप करना है, तो आपका एक ये पेज आता है। इस पेज में आपको नीचे की साइड है टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का ये बटन आपको टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक और पेज आएगा ये वाला, इसमें देखिए आपको गॉट इट लिखा है ना, गॉट इट पे टैप करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेटिंग जो है ऑफ हो जाती है। तो ये सेटिंग आप इस तरीके से ऑफ कर देंगे तो आपकी ऐड भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में आने वाली एड्स को अपना बंद कर सकते हैं।